चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग संसाधन के बारे में समझेंगे और संसाधन की जो बेसिक बातें सब मैं एकदम बेसिक सब क्लियर करवा दूंगा। और एक बात याद रखिएगा, आज संसाधन में आपको ऐसे पढ़ाऊंगा ना कि आपके दिमाग में पूरी तरह से छप जाएगी, बैठ जाएगी। इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए संसाधन है क्या, संसाधन का मतलब हम लोग जो हमारे पास जो चारों ओर जो वस्तुएं है ना, वो सब संसाधन है जिनका हम लोग उपयोग करते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। जैसे सेब हो गया, फल फूल हो गया, पेड़ पौधा हो गया, बकरी हो गया है, बहुत सारे जीव जंतु जिससे हमें ऊन प्राप्त होता है और उसको हम लोग स्वेटर बुनते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है वही संसाधन कहलाता है, जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है। जैसे पेड़ पौधे से फल फूल आपको प्राप्त होता है, तो पेड़ पौधा आपकी आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है, इस कारण से वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे संसाधन कहलाएंगे। मतलब जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है वही कहलाएगा संसाधन कहलाता है। बस संसाधन कोई बड़ी चीज नहीं है, जो हमारी आवश्यकता पूर्ति करेगा, जो हमें भरपेट भोजन देगा, जो हमारी हर तरह की जरूरतों को पूरा करता है, वो सब क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। जैसे मान लीजिए चट्टाने हो गए, चट्टान भी क्या एक संसाधन है। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि चट्टान से ही क्या होता है, चांदी उंदी निकलने का काम करता है। तो चट्टान भी हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। अब पत्थर उत्थर जो घर में यूज होता है धराई उलाई करने के लिए, सब चट्टान से ही आते हैं। तो चट्टान भी हमारे आवश्यकता को पूर्ति करता है, इसी कारण से चट्टान भी क्या संसाधन है। अगर कही जाए तो इस दुनिया का प्रत्येक वस्तु संसाधन है। ये मार्कर भी क्या संसाधन है, क्योंकि ये भी हमारी आवश्यकता को पूर्ति करा लिखने का। ये बोर्ड क्या है, संसाधन है, क्योंकि ये भी हमारी आवश्यकता को पूर्ति करा है ना, लिखवाने का। समझ में आई बात? इस दुनिया का हर वस्तु क्या है, संसाधन है। जैसे मान लीजिए कोई गायक है, किसी गायक की बात करते हैं, तो कोई गायक जो होता है ना हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है। कुछ ऐसे गायक होते हैं जिनका गाना सुनने के बाद हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है, तो भाई उसका गाना हमारे दिल पर अटैक किया, अटैक करने के बाद हमारी जरूरत को पूरा किया, हमें अंदर से झकझोर दिया, इसका मतलब वो व्यक्ति क्या हो गया, संसाधन हो गया। तो संसाधन का मतलब जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करे वो कहलाती है संसाधन। यानी ऐसी वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करती है वो संसाधन कहलाती है। लेकिन याद रखिएगा, संसाधन में हमेशा तकनीक का यूज होता है। जैसे पहले के जमाने में हम पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं था कि धरती के अंदर से खोद कर तेल उल निकाल सके, लेकिन आज के जमाने में ये सब संसाधन जो धरती के अंदर खनिज है, जो तेल है, जो आयल्स है, उन सभी को तकनीक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से निकाली जा रही है, उसका उपयोग करी जा रही है। तो इस पर जिम मैडन कहते हैं कि संसाधन बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन हमेशा क्या होता है, बनाए जाते हैं। तो महान भूगोलवाद हम लोग कह सकते हैं जिम मैडन, ये कहते हैं कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। क्वेश्चन पूछता भी है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किनका कथन है? तो जिम मैरन का, महान भूगोलविद थे, यही बोले थे, ठीक है ना। देखो, तो हमारे जीवन में संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाती है। सोचो, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें फल नहीं प्राप्त होगा, और जब ससुरी कहेंगे फल प्राप्त नहीं होगा तो दांत चीर देंगे हम लोग। मतलब संसाधन का महत्व हमारे जीवन में बहुत उपयोग है, पल पल पर उपयोग है। हम लोग चलने के लिए चप्पल यूज करते हैं, संसाधन है। पहनने के लिए कपड़ा यूज करते हैं, संसाधन है ना। मतलब बाल काटने के लिए हजामत यूज करते हैं, वो भी हमारे लिए क्या है, संसाधन है। हम लोग जो सामान में यूज कर, जैसे घड़ी है, ये घड़ी भी क्या है, संसाधन है। क्यों? क्योंकि हमारी आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है। दुनिया का हर वस्तु हमारी संसाधन है। अगर संसाधन नहीं होता ना तो हमारी कोई आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है। जैसे पहले थे ना हम लोग, वही पहले के जो इंसान हुआ करते थे, लाठी का यूज करते थे, नाखून का यूज करते थे। तो लाठी ये नाखून क्या है, ये सब संसाधन है, क्योंकि मनुष्य की जो आवश्यकता को पूर्ति करता है वही तो संसाधन कहलाते हैं। तो हमारे जीवन में संसाधन पल पल पर यूज होता है। अगर संसाधन नहीं होता तो हम मनुष्यों का अस्तित्व ही नहीं होता। जब से पृथ्वी बनी है और जब तक रहेगी पृथ्वी, तब तक हमारे जीवन में संसाधन का उपयोग होगा, हर पल हर समय। कपड़ा पहनते हैं संसाधन है, साइकिल यूज करते हैं संसाधन है, कार यूज करते हैं संसाधन है। दुनिया का हर वस्तु संसाधन कही जाती है। तो संसाधन का महत्व हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि संसाधन के बिना हम एक पल नहीं चल सकते हैं। अपने शरीर में जो भी आप यूज किए हैं, चाहे जहां पढ़ने भी जाते हैं, सब क्या है, संसाधन ही है। संसाधन के बिना कुछ नहीं चल सकता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो मैं आपकी आवश्यकता को पूर्ति कर रहा हूं और आप भी मेरी आवश्यकता को पूर्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं यूट्यूब के थ्रू पैसा भी तो कमा रहा हूं ना आपसे, तो मैं भी आपके लिए संसाधन हूं और आप भी मेरे लिए संसाधन है, क्योंकि मैं आपकी आवश्यकता को पूर्ति कर रहा हूं और आप मेरी आवश्यकता को पूर्ति कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों क्या संसाधन है। तो इस दुनिया का हर वस्तु, हर इंसान एक संसाधन का काम करता है, ठीक है ना। तो संसाधन का महत्व आप समझ गए कि हमारे जीवन में है, मैं हर पल हर क्षण हम लोग संसाधन का प्रयोग करते हैं। अगर संसाधन नहीं होगा तो हमारा अस्तित्व नहीं होगा। अब देखो, संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक का मतलब जानते हैं, जिसको प्रकृति ने बना दिया, जैसे पेड़ पौधा, मछली, मनुष्य, इस सब कौन बनाया, प्रकृति ने बनाया। लेकिन जिसको मनुष्य ने बनाया, जैसे कार, साइकिल, हैंडपंप, जो मनुष्य बनाया, टी शर्ट, ये प्रकृति बनाया, जींस पैंट, नया छोटा छोटा कपड़ा आता है ना, ओटलाली लेकर चली जाओ, लड़कियां बकलोलिया सब लगाती है, ओटलाली लगा लगा के सबके
बर्बाद कर रख देती है सर। तो ये सब क्या है, ये सब मानव निर्मित है। तो जौना को प्रकृति भगवान ने बनाया वो प्राकृतिक संसाधन, और जिसको मनुष्य ने बनाया वो मानव निर्मित संसाधन। तो संसाधन दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन इसका वर्गीकरण अलग अलग आधार पर करते हैं। तो संसाधन के प्रकार पूछेगा तो दूगो, प्राकृतिक मानव निर्मित। लेकिन इस चैप्टर में मैं चर्चा करूंगा कि संसाधन का वर्गीकरण, इसको किस किस आधारों पर वर्गीकरण, मतलब किन किन आधारों पर इन्हें बांट सकते हैं। देखो इनको संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर बांटी जाती है, उपयोगिता के आधार पर बांटी जाती है, स्वामित्व के आधार पर बांटी जाती है, और विकास के आधार पर बांटी जाती है। संसाधन उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, उपयोगिता के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, स्वामित्व के आधार पर भी चार प्रकार के होते हैं, और विकास के आधार पर भी कितने, चार प्रकार के होते हैं। यानी संसाधन उत्पत्ति के आधार पर दो, उपयोगिता के आधार पर दो, स्वामित्व के आधार पर चार, और विकास के आधार पर चार। तो ये संसाधन का वर्गीकरण है। लेकिन प्रकार की यदि हम लोग बात करेंगे तो दो प्रकार के, प्राकृतिक और मानव निर्मित। पेड़ पौधा, कृषि, पशु चारण, ये सब क्या है, प्राकृतिक है। लेकिन कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, ये सब क्या है, ओटलाली, मेकअप का जितना सामान हो, जितना सामान कपड़ा उपड़ा, टी शर्ट, जींस, कच्छा उच्छा, ये सब क्या है, ये सब मानव निर्मित है, जिसको मनुष्य बनाया है। तो संसाधन समझ में आ गए, संसाधन दो प्रकार के। अब वर्गीकरण की बात करते हैं तो चार आधार पर हम लोग वर्गीकरण संसाधन का करते हैं, उत्पत्ति, उपयोगिता, स्वामित्व और विकास। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। क्वेश्चन करता भी है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। एकदम सिंपल है, जैव संसाधन का मतलब जो सजीव से प्राप्त होता है। सजीव किसे कहते हैं मालूम है ना, जिसमें जान हो, जो चल सकता है, फिर सकता है, हगने जा सकता है, दौड़ सकता है, खेल सकता है, जो श्वास ले सकता है, वही तो सजीव होता है ना। सजीव जिससे मतलब ऐसा संसाधन जो सजीव से प्राप्त होता है, ऐसा संसाधन जो सजीव से प्राप्त होता है। जैसे मान लो कि हम लोग लेकर चलते कुछ ऐसे बकरी होते हैं जो ऊन, रुई, डोरा देने का काम करते हैं, वो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करते हैं, ठीक है ना। जैसे मनुष्य, जैव संसाधन। मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, मछली भी तो हमारे लिए संसाधन है, क्योंकि हम लोग उसको खाते हैं बड़ी चाव से। ये वनस्पति, वनस्पति से पेड़ पौधे प्राप्त होते हैं। तो ये सब जैव संसाधन है। जैव संसाधन का मतलब जो सजीव से प्राप्त होते हैं, जो सजीव से प्राप्त होंगे, ऐसा संसाधन जो सजीव से प्राप्त होते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, जैव संसाधन। एक लाइन में मैं आंसर लिखा हूं, ऐसा संसाधन जो सजीव से प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा संसाधन जो निर्जीव से प्राप्त होता है वो अजैव संसाधन कहलाता है। तो जैव संसाधन का मतलब सजीव से, अजैव संसाधन का मतलब निर्जीव से, ऐसा संसाधन जो हम जो निर्जीव से प्राप्त होता है। जैसे चट्टान, चट्टान से क्या होता है, चानी उनी, हीरा उरा सब प्राप्त होता है, धातु, धातु से लोहा हुआ प्राप्त होता है, खनिज से शुष्क प्राप्त होता है। तो ये सब निर्जीव है, धातु, खनिज, मान लो ये सजीव है क्या, ये सजीव है नहीं है। तो बात सीधी सी है, ऐसा मतलब संसाधन जो निर्जीव से प्राप्त होता है और ऐसा संसाधन जो सजीव से प्राप्त होता है। तो सजीव से प्राप्त होने वाले को जैव संसाधन कहते हैं और निर्जीव से प्राप्त होने वाले को अजैव संसाधन कहते हैं। तो ये उत्पत्ति के आधार पर आप आगे बात करते हैं, उपयोगिता के आधार पर आप देखते हैं, क्योंकि उत्पत्ति के आधार पर दो तरह के संसाधन, जैव और अजैव। अब आगे देखते हैं उपयोगिता के आधार पर भी दो तरह के संसाधन होते हैं, एक होता है नवीकरणीय, दूसरा होता है अनवीकरणीय। देखो नवीकरणीय का मतलब क्या होगा, जिसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा मतलब जिसको सोलर सेल कहते हैं, सोलर सेल का ऊर्जा एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर उसको हम सूर्य द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा होगा पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा हवा में चलता है, जब तक पवन मतलब हवा रहेगा तब तक पवन ऊर्जा आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो ये जो मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, जल फिर भी प्राप्त, जल आज पी लेंगे फिर हमें प्राप्त हो जाएगा, करेंट जिसको विद्युत कहते हैं, बिजली चली जाएगी मतलब बिजली का जितना यूज करेंगे फिर बिजली आ सकती है कि नहीं, ऐसा तो है कि बिजली का यूज करें तो घट रही है। देखो कहने का मतलब है कि ऐसा संसाधन जिनको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आप लकड़ी जला रहे हैं, लकड़ी को आप जला दिए तो फिर आप उसका राख से आप प्राप्त कर सकते हैं, लकड़ी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। देखो कोयला जैसे लेकर चलते हैं, कोयला कौन सा संसाधन, नवीकरणीय की अनवीकरणीय, तो अनवीकरणीय क्यों ना, अनवीकरणीय क्योंकि भाई उसको जलाने के बाद हम उससे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रही बुआ। लेकिन ये क्या होता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन का मतलब जिसको हम लोग फिर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोयला होगा, कोयला को जला ना दीजिए, जलाने के बाद क्या उससे फिर आप कोयला प्राप्त कर सकते हैं क्या, नहीं प्राप्त कर सकते। लकड़ी को जला दिए, लकड़ी को जलाने के बाद फिर लकड़ी आप प्राप्त कर सकते हैं क्या, नहीं प्राप्त कर सकते। नहीं, पेड़ पौधा की जनसंख्या कितना कम हो गया, कम हो रहा है कि नहीं, ये प्रदूषण बहुत ज्यादा क्या फैल रहा है, पेड़ पौधा की कमी की वजह से। देखो नवीकरणीय संसाधन का मतलब जिसको आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं वो कहलाता है नवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। इसको खपत करने के बाद फिर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन, इसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। अगर प्राप्त करना है तो लंबी अवधि इंतजार करना पड़ेगा, 100 वर्ष 200 वर्ष, तब तक आप बुढ़ा जाएगा, मर जाएगा, दांत चियार दीजिएगा। आजकल मनुष्य का उम्र 40-50, इससे ज्यादा लिमिट नहीं है, इतना दिन तक जीवित रहेगा दांत चियार देगा। एक दिन ऐसा समय आएगा ना कि मनुष्य जन्म लेगा, 5 वर्ष के बाद शादी होगा, 10 वर्ष के बाद दांत चियार देगा। उम्र घटते जा रही है मनुष्य का, समझिएगा। तो अनवीकरणीय संसाधन का मतलब जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं वह कहलाता है अनवीकरणीय संसाधन। जैसे देखो
इसको अगर प्राप्त करेंगे तो लंबे समय के बाद इसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन होता है। जीवाश्म ईंधन क्या है, इसको एक बार खो देने के बाद हम लोग फिर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर इसको प्राप्त करना है तो लंबे समय हजारों सौ वर्ष तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिजिक्स में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। फिजिक्स का जो लास्ट टॉपिक मैं पढ़ाया था उसमें जीवाश्म ईंधन की चर्चा करी गई है, ठीक है ना। तो जीवाश्म ईंधन को हम लोग एक बार खपत करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। क्वेश्चन करता है जीवाश्म ईंधन कौन सा ऊर्जा चाहे कौन सा संसाधन है, तो वो है अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि इन्हें पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर दो तरह के संसाधन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन क्या है, तो नवीकरणीय संसाधन को पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन और नवीकरणीय संसाधन को हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह आपने क्या समझा, संसाधन दो प्रकार के, प्राकृतिक मानव निर्मित। संसाधन के वर्गीकरण देखते हैं तो उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार के जैव अजैव, उपयोगिता उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के जैव अजैव, और उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो संसाधन का दो आधार हम लोग वर्गीकरण समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं, आखिर वो कौन कौन होते हैं, अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखते हैं स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। अभी तक मैंने आपको किस पर, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधन पढ़ा दिया। अब देखते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, और तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, चार प्रकार के। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, जरा इसको हम लोग समझते हैं। देखो व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, ऐसा संसाधन जो निजी व्यक्तियों के अधिकार क्षेत्र में होता है। जैसे मान लो जायदाद हो गया, घर हो गया, तो घर घर के आपके क्षेत्र में उसके अंतर्गत सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो जमीन जायदाद हो गया, घर द्वार हो गया, भूखंड हो गया, धन दौलत हो गया, आपका जो संपत्ति है उसके संपर्क में सरकार का कोई काम नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो निजी व्यक्ति के संपर्क में आती है ऐसा अधिकार क्षेत्र, ऐसा संसाधन जो आपके अधिकार क्षेत्र में है, वो संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहे जाते हैं। लेकिन सरकार के पास एक हक जरूर होता है। अगर मान लेते हैं कि आपका घर द्वार बना आपके जमीन पर, यदि कोयला के खदान चाहे तेल की खदानें धरती के अंदर है, तो वो सरकार क्या करेगा, उसको अपने प्रतिबंध में ले लेता है और उसका कीमत आपको पैसा देकर दूसरे जगह जमीन जायदाद आपको दे देता है। लेकिन सबके जमीन उमीन पर घर द्वार पर ही सब नहीं निकलता, भाग्यशाली इंसान के घर पर ही मिलता है। अगर देखो आपके द्वार पर या घर के अंदर कोयला या इस जमीन में क्या आयल उल के खदान मिल जा रहा है, तो आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि उसके बदले तो आपको नौकरी भी मिल जाएगा, बहुत ज्यादा पैसा भी मिल जाएगा, मतलब लाइफ आपकी स्वर जाएगी, याद रखिएगा। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, निजी व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में आता है, ऐसा संसाधन जो आपके अधिकार क्षेत्र में आती है। क्या आपका अधिकार क्षेत्र नीतीश कुमार के पास है, आपका अधिकार क्षेत्र अपने जमीन जायदाद पर, अपने बाबू के धन दौलत पर है, लेकिन दूसरे के धन दौलत पर आपका नहीं है। तो ऐसा संसाधन जो आपके अधिकार में आती है उसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन, जैसे भूखंड, घर द्वार, जायदाद, ये सब आपके क्षेत्र में आते हैं। दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन। अब आप ही समझिए, सामुदायिक मतलब समूह वाला, मतलब ऐसा संसाधन जिस पर पूरे समूह का, पूरे गांव का, पूरे समाज का अधिकार हो। जैसे चारण भूमि ले सकते हैं, चारण भूमि मतलब जहां पर लोग माल उल चराने जाते हैं, गाय भैंस चराने जाते हैं, तो जो नहीं कि एक ही आदमी वहां पर जाएगा, गांव के सारा लोग चराने के लिए जा सकते हैं। जैसे पार्क हो गया, पार्क में एक ही आदमी जाएगा, समाज का पूरा समूह जा सकता है, पूरे समाज के लोग जा सकते हैं। तो ऐसा संसाधन जिस पर पूरे समाज का अधिकार होता है वो कहलाता है सामुदायिक संसाधन। जैसे चारण भूमि, शमशान एक आदमी के लिए बना होता है, वो पूरे समाज के लिए, पूरे समुदाय के लिए, इस कारण से शमशान सामुदायिक संसाधन हो जाएगा। पार्क हो गया, खेल मैदान एक आदमी के लिए है नहीं, पार्क एक आदमी के लिए है नहीं, तो जिस पर पूरे समाज का अधिकार होता है वो सामुदायिक संसाधन होता है। और तीसरा का राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब ऐसा संसाधन जिस पर देश का अधिकार होता है, देश का अधिकार होता है, जैसे देश का अधिकार होता है, ठीक है ना। तो जिस संसाधन पर देश का अधिकार होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे आपके घर द्वार पर क्या हो गया, निकल गया तेल उल का खदान निकल गया, तो उस संसाधन पर आपका अधिकार नहीं है, राष्ट्र देश का आपका अधिकार हो गया, आपके सरकार का अधिकार हो गया, तो वो राष्ट्रीय संसाधन कही जाती है। लेकिन देखो अगर आपके देश के सीमा तट से 200 किलोमीटर पर कोई संसाधन निकलता है, तेल उल का खदान चाहे कुछ भी निकलता है, तो वो राष्ट्रीय संसाधन कह जाएंगे। लेकिन 200 किलोमीटर के बाद अगर निकलता है कोई संसाधन निकलता है, तो वो अपने देश के अंतर्गत नहीं आएगा, वो अंतर्राष्ट्रीय देश के अंतर्गत आएगा। यानी अपने देश, मान लो कि अगर आप यहाँ पर देखो, समझो साइड में, यहाँ पर अगर मान लो कि आपका इंडिया का पिक्चर नीचे वाला बना रहे, यहाँ से अगर 200 किलोमीटर के बाद अगर कोई 200 किलोमीटर तक कोई संसाधन मिलता है, तो वो आपका देश के अंतर्गत आएगा। लेकिन 200 किलोमीटर के बाद
अगर कोई संसाधन आएगा तो वो संसाधन क्या कहलाएंगे? अगर मतलब अपने देश से 200 किलोमीटर के बाद कोई संसाधन आता है तो वो संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, इंटरनेशनल संसाधन कहे जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंतर्गत आती है। एक बात और समझो, जो क्षेत्र अपने सीमा तट से 200 किलोमीटर के बाद तक आती है, मतलब 200 किलोमीटर तक आती है, उसको हम लोग अपवर्जक का आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। पूछता भी अपवर्जक का आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, अपने देश के सीमा तट से 200 किलोमीटर तक जो क्षेत्र आता है उस क्षेत्र को अपवर्जक का आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्जक का आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्जक का आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो अपने देश से 200 किलोमीटर का के 200 किलोमीटर तक का जो सीमा क्षेत्र होगा वो देश के अंतर्गत आएगा, राष्ट्र के अंतर्गत आएगा। लेकिन 200 किलोमीटर के बाद यदि कोई संसाधन निकलता है तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंतर्गत आती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंतर्गत जो संसाधन आती है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ये जो होता है ना, ये 200 अपने देश के सीमा से 200 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र होता है, 200 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र होता है उसको लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। ये चार प्रकार के स्वामित्व के आधार पर संसाधन हो गया। कौन सा? व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अब आते हम लोग विकास स्तर के आधार पर संसाधन देखते हैं। देखो, विकास स्तर के आधार पर संसाधन चार प्रकार के। पहला, संभावी संसाधन। संभावी का मतलब क्या होगा? ऐसा संसाधन जिसके उपयोग में लाए जाने की संभावना बनी। संभावी मतलब संभाव्य, मतलब भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। भविष्य में जैसे जल लेकर चल सकते हैं, जल का भी हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते, जल से बिजली भी बना सकते हैं, लेकिन ये भविष्य के लिए रखा गया कि भविष्य में बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब उपयोग में लाए जाने की संभावना जिसका बना है, ठीक है ना, और जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया है। यानी ऐसा संसाधन जिसका भविष्य में उपयोग हो सकता है लेकिन उसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया। जैसे देख सकते हैं, राजस्थान और गुजरात का जो क्षेत्र है उसमें पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की संभावनाएं बनती है, लेकिन उसका टेक्नोलॉजी के अभाव में अभी उपयोग नहीं किया गया। तो ये जो क्षेत्र आएंगे वो किस में आएंगे? वो आएंगे संभावित संसाधन में। ऐसा संसाधन जिसका भविष्य में यूज किया जाएगा, संभावनाएं बनी उपयोग करने के लिए लेकिन उपयोग नहीं किया गया, वो संभाव्य संसाधन हो जाएगा। जैसे हिमालय, हिमालय की चट्टानों का हम लोग यूज कर सकते हैं लेकिन हिमालय की चट्टान का हम लोग यूज अभी तक नहीं किया। तो हिमालय की चट्टान जो है ना वो संभावित संसाधन, यानी ऐसा संसाधन जिसके उपयोग के लिए संभावना बनी रहती है, इसका उपयोग कर सकते हैं। जिसके उपयोग की संभावना बनी रहती है उसको हम लोग संभावित संसाधन कहते हैं, लेकिन उसका अभी तक उपयोग नहीं। अब दूसरा का देखिए, दूसरा का विकसित संसाधन होता है। विकसित संसाधन क्या होता है कि जिसका सर्वेक्षण के उपरांत हम लोग क्या करते हैं? उसका उपयोग करते हैं। सर्वेक्षण के उपरांत जिसका सरकार सर्वेक्षण कर चुकी है, वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर चुके हैं, उसका उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे दवा है, दवा बनता है, दवा का हम लोग क्या करते हैं भाई? उसका सर्वेक्षण हो क्या चुका है, उसका डेट है उसकी, जब तक उसका डेट है तब तक उसका हम लोग यूज करेंगे, फेल हो जाएगा, वो विकसित संसाधन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो जिसका सर्वेक्षण के उपरांत हम लोग उपयोग करते हैं और लेकिन ये निश्चित समय के लिए निर्धारण हो चुका है कि इतने समय ये खत्म हो जाएगा। जैसे दवा की गोटी आती है, कोई भी सामान आप देखिएगा तो उस पर एक्सपायरी डेट होता है, तो सर्वेक्षण के उपरांत आई है लेकिन उसका एक्सपायरी डेट भी फिक्स हो गया कि इतने साल के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, किसी लायक ये नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब, जो सर्वेक्षण के उपरांत ऐसा संसाधन जो सर्वेक्षण के उपरांत उपयोग करी जा रही है लेकिन उसका निर्धारण सीमा निश्चित कर दिया गया है, उसे हम लोग विकसित संसाधन कहते हैं। अब विकसित संसाधन हमेशा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उपयोग करी जाती है। जो आप सामान उमान खरीदते हैं दुकानदार ये सब दुकान पर, वो सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं बनाई जाती है कि हाथे बनाई जाती है, नहीं, टेक्नोलॉजी मशीनों के माध्यम से बनाई जाती है। तो विकसित संसाधन हमेशा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ही बनाई जाती है। यानी देखी जाए तो विकसित संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग सर्वेक्षण के आधार पर हम लोग करते हैं, सर्वेक्षण के उपरांत कर रहे हैं और उसकी सीमा निश्चित कर दी गई कि इतना दिन के बाद वो खराब हो जाएगा, तो ऐसे संसाधन विकसित संसाधन कहे जाते हैं। तीसरा का होता है भंडार संसाधन। देखो, भंडार का मतलब क्या होता है? उसको भविष्य के लिए रखना है। जैसे पटना का गोलघर है भाई, उसमें पटना के गोलघर जो है उसमें अनाज उनाज काहे को रखी जाती है? भंडार को रखी जाती है कि जब आपातकाल की स्थिति लागू होगी, जब भुखमरी का कंडीशन आएगा तो उसका यूज कर जाएंगी। तो भंडार संसाधन का मतलब ऐसा उपयोग जिसका जिसके उपयोग के लिए भविष्य में रखी गई, जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सके, ठीक है ना। तो उपयोग प्रौद्योगिकी के अभाव में भंडार किया गया हो, ऐसा संसाधन जिसको भंडार के रूप में रख दिया गया कि इसका उपयोग अभी नहीं करे जाएंगे, भविष्य में जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो संसाधन भंडार संसाधन कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? भंडार संसाधन कहे जाते हैं। जैसे देख सकते हैं, जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या भंडार के रूप में है, इसका उपयोग भविष्य तक हम लोग करते रहेंगे। तो जो मतलब ऐसा संसाधन जिसको भंडार के रूप में ढेर सारा करके रख दिया गया है भंडार में, जैसे भंडार का मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ठीक है ना। जैसे पटना का गोलघर मैंने आपको दिखाया, इसमें जो अंग्रेज बनवाए थे ना, गेहूं उम चावल रखने के लिए बनवाए थे ताकि भविष्य में जो आवश्यकता पड़ेगी तो उसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना।
तो मतलब ऐसा संसाधन जिसको टेक्नोलॉजी के अभाव में भंडार किया गया, उस टेक्नोलॉजी नहीं मिला उसको उपयोग करने के लिए, तो उसको भविष्य में रखा गया कि यूज करी जाएंगी। जैसे मान लो कि जल से हम लोग बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी नहीं मिला कि जल से विद्युत पैदा कर सके, बिजली पैदा कर सके, तो उसको भविष्य में रखा गया। यानी जल किस में आ जाएंगे? भंडार संसाधन में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो चौथा है संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन क्या होता है? ये भंडार संसाधन का ही अंश होता है। इसको तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते। जैसे जल से विद्युत बना सकते हैं, इसको तकनीक के आधार पर उपयोग ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई तकनीकें भी नहीं बना कि जल से लोग बिजली पैदा कर सके। इसी कारण से हम लोग कोयला उला पर बिजली अभी बनाने का काम करते हैं, समझ में आ रही है। तो संचित कोष संसाधन एक ऐसा संसाधन है जो भंडार संसाधन का ही अंश होता है, लेकिन तकनीक के आधार पर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे जल से विद्युत बनाना, तो जल से बिजली बनाने की अभी संभावना नहीं हो रही है, क्योंकि इसके लिए अभी टेक्नोलॉजी है नहीं है। तो जो संचित किया गया हो ऐसा संसाधन जिसका तकनीक के आधार पर उपयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संचित कोष संसाधन। यानी संचित, जिसको भविष्य के लिए संचित किया गया, जल भविष्य के लिए संचित है। जब कोयले की मात्रा खत्म हो जाएगी, क्योंकि कोयले लिमिट है, लिमिट सीमा तक है, जब उसकी खत्म हो जाएगी तो जल से बिजली बनाकर आदमी अपना यूज करेगा। तो ये रहा आपका संसाधन, संचित कोष संसाधन। इस तरह से संसाधन का वर्गीकरण क्लियर हो गया। अब कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। देखो संसाधन नियोजन हम लोग समझते हैं, संसाधन नियोजन होता क्या है? संसाधन नियोजन क्या होता है कि संसाधनों का सही सही उपयोग करना। मतलब देखो संसाधन नियोजन का मतलब क्या होता है कि हमारी जो सरकार है ना, हमारी सरकार अपने राज्य को, अपने देश को दो भागों में बांट दी है। जैसे गरीब एक अमीर, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास संसाधन बहुत मात्रा में है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास संसाधन ससुरी कहीं कहला ही नहीं है। अब जिसके पास है वो अमीर, जिसके पास नहीं है वो गरीब है, तो आपका देश दो भाग में नहीं बांटा। तो जहां पर संसाधन को, यहां पर अपने देश में संसाधन को दो भाग में बांट के रखा गया, ठीक है ना। तो संसाधनों का हर लोगों के पास सही सही पहुंचाना, बराबर पहुंचाना संसाधन नियोजन कहलाता है। पहला प्लान करिए। जैसे मान लो कि बिहार में कोयला उला खदान उदान नहीं है, जिसके कारण से इसका विकास नहीं है, झारखंड में बहुत ज्यादा कोयला है, ठीक है ना, तो वहां से कोयला यहां पर ला सकती है। मतलब किसी भी राज्य की देखी जाए, जहां पर जिसकी मात्रा अधिक है, उस वहां से संसाधन उठाकर किसी और राज्य में पहुंचाए, यहां से यदि किसी चीज की मात्रा अधिक है तो उसको दूसरे राज्य में पहुंचाया जाए। ये संसाधन नियोजन कहलाती है। संसाधन नियोजन का मतलब विवेक से हर राज्य के संसाधन का उपयोग करना, लिमिट मात्रा में उपयोग करना, पूरा एक बार खत्म कर देना। तो समझ में आ रही है, विवेक पूरे यदि हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो संसाधन नियोजन हो सकता है। यानी संसाधनों का अपने बुद्धि से इस्तेमाल करना, ज्यादा संसाधन का शोषण नहीं करना, वो कहलाती है संसाधन नियोजन कहलाती है। तो संसाधन नियोजन का मतलब हो गया बुद्धि से विवेकपूर्ण इस्तेमाल करेंगे तो, ठीक है। विवेकपूर्ण इस्तेमाल का मतलब क्या होगा? किसी राज्य से कोई संसाधन का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, अगर मान लो झारखंड से हम लोग कोयला ला रहे हैं बिहार में, तो यहाँ पर देखो झारखंड से कोयला लाया गया तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि पूरा झारखंड के कोयला तेल के खदान बिहार में लिया कर डाल दीजिए, तो ये आपका ये संसाधन का नियोजन नहीं होगा। संसाधन का नियोजन का मतलब कुछ मात्रा में वहां से लाई जाए और कुछ मात्रा में यहां से लाई जाए। तो इस्तेमाल करना है लेकिन बुद्धि से इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। अब देखो संसाधनों का संरक्षण। देखो अभी बताया था हमारे जीवन में हर पल हर क्षण संसाधन का उपयोग है, ठीक है ना। कपड़ा पहने संसाधन है, पैंट पहने संसाधन है, कच्छा पहने संसाधन है, अंडरवियर पहने वो सब क्या है? संसाधन है। दुनिया का हर वस्तु क्या है? संसाधन है। तो संसाधन का हमारे जीवन शुरू से अंत तक मरते दम तक उपयोग होता है। आप मरेंगे तो जाएंगे रंथी पर जाएंगे, वो क्या है? संसाधन है। आपको लगाया जाए लकड़ी से आग लगाया जाए, संसाधन है। आपकी शादी करी जाएंगी लड़की से, तो आपके लिए लड़की संसाधन हो गया। लड़की का लड़का से शादी होगा तो लड़की के लिए लड़का संसाधन हो गया। समझ में आ रही बुआ? दुनिया का हर पल हर क्षण संसाधन पर डिपेंड है, इसलिए संसाधन का संरक्षण जरूरी है। अब संसाधन के संरक्षण के लिए महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। कुछ लोग क्या है ना कि मतलब संसाधन इतना ना अपने पास रख लिया है कि कहां नहीं जा सकते, भविष्य के लिए रखते हैं, बुर्बक होता है, समझ ना। संसाधन बोलते हैं महात्मा गांधी कि पेट भरने के लिए है, लेकिन पेटी भरने के लिए, पेटी समझे ना, अपने उपयोग नहीं करेगा, सब भविष्य के लिए एकदम जुगा के रखेगा सब। तो महात्मा गांधी का एक कथन है, पूछता भी है कि पेट भरने के लिए संसाधन है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, किनका कथन है? तो महात्मा गांधी का है। और उसके बाद देखिए नर्मदा बचाओ अभियान, ठीक है ना, ये था मेघा पाटेकर का, ये नर्मदा नदी को बचाने के लिए अभियान चलाए थे, समझ में। और तीसरा चिपको आंदोलन देख सकते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुना है, ये चिपको आंदोलन चलाए थे। तो ये सब क्यों चलाया? ताकि संसाधनों का संरक्षण किया जा सके, ज्यादा मात्रा में उपयोग नहीं करी जा सके। महात्मा गांधी टेक्नोलॉजी का बहुत विरोधी थे, कहते थे कि ज्यादा मात्रा में टेक्नोलॉजी का उत्पादन होगा ना तो ज्यादा धरती का शोषण करेगा, एक दिन धरती फट जाएगी, मर जाएगा सब जता के।
तो वही है कि संसाधन का सुरक्षा में अंधाधुंध पेड़ पौधा ये सब जो ना विवेकपूर्ण हमें संसाधन का उपयोग करना, ज्यादा उपयोग नहीं करना, कम मात्रा में उपयोग करना। तो संसाधनों पर बुद्धि से इस्तेमाल करना, संसाधनों का बुद्धिपूर्वक इस्तेमाल करना और पेड़ पौधों की ज्यादा कटाई नहीं करना, इससे संसाधन अपना सबका संरक्षित रहेगा। संसाधन उपयोग करिए लेकिन लिमिट मात्रा में, ज्यादा यूज कर दीजिए। जैसे अब देखिए, एक दिन भविष्य में कोयला खत्म हो जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा, सब मुचियार के रह जाएगा, सब कोनो काम नहीं रहेगा, सबको मरना पड़ जाएगा एक दिन। तो वही कहते हैं कि संसाधन का उपयोग बुद्धि से करिए, कम लिमिट में करिए एक तरह से। तो संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो संसाधन का बुद्धिपूर्वक हम लोग उपयोग करेंगे, जिसके कारण से संसाधन का ज्यादा मतलब अंधाधुंध उसका उपयोग नहीं, उसका क्षति नहीं पहुंचे। अगर देखो सतत विकास ज्ञान, सतत विकास यानी ऐसा संसार जिस पर हम लोग क्या करें, अपने बुद्धि से अमल करें। समझिए यहाँ पर सब में बोला हूँ बुद्धि का उपयोग करिए, या संसाधन को हम लोग बुद्धि से बचा ही सकते हैं। देखिएगा कोई भी चीज को आप बुद्धि से बचा सकते हैं। जितना मान लो कि आप ताकतवर किसी से लड़ने जा रहे हैं तो हमेशा बोले का यूज करिएगा तो छीटा जाएगा, मार को आपको फाड़ देगा वो। हमेशा कभी कभी दिमागो लगानी चाहिए। सतत विकास का मतलब क्या होता है कि हमें संसाधनों पर क्या मतलब, संसाधनों को अगर देखी जाए तो संसाधनों पर जो बेकार की हम लोग बेकार की जो संसाधन बना करके, जैसे मान लो चावल खाना होता है, सला तनी मनी लेते हैं, मतलब लेते हैं एक छिपा खाते हैं, तनी मनी छोड़ देते हैं, वो बेकार ना कर रहे हैं। तो संसाधनों का विवेकशील उपयोग करना, विवेकपूर्वक उपयोग करना ही सतत विकास कहलाता है। न तो हमें संसाधनों का ज्यादा उपयोग में लाना है और ना ही उससे ज्यादातर बेकार करना है। यानी संसाधनों का बुद्धिपूर्वक उपयोग क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। विवेकशील विवेकपूर्ण उपयोग करना मतलब बुद्धि से उपयोग करना। कि जैसे मान लो कि आप खाना खाने बैठे हुए थे ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी पीने जाते हैं, एक गिलास पानी लेते हैं, पियेंगे एक कुल आप फेंक देते हैं, नहाने जाते हैं, नहाना होता है एक बाल्टी से, लेकिन क्या करते हैं 10 बाल्टी से नहाकर पानी जियान करते हैं। तो भाई ये सतत विकास नहीं हुआ। संसाधन का विकास तभी होगा जब हम लोग काम भर यूज करेंगे। तो ऐसा संसाधन जिसका काम भर यूज करी जा सके, उसको ज्यादा मात्रा में बेकार नहीं बनाई जा सके, उसे सतत संसाधन हम लोग कहते हैं। तो चलिए आपको समझ में आ गई होगी, संसाधन नियोजन बुद्धि से इस्तेमाल करिए, संसाधन का नियोजन हो जाएगा। संसाधनों का संरक्षण बुद्धि से संसाधन का उपयोग करिए, संसाधन का संरक्षण हो जाएगा। सतत विकास बेकार में जाता संसाधन का हमें मतलब उपयोग नहीं करना है, फालतू में जलूल का ज्यादा मात्रा में जियान नहीं करना। तो ये कहलाएगा आपका सतत विकास, कहलाएगा संसाधनों का। तो अब हम लोग कुछ और बातें जान लेते हैं, जैसे संसाधनों के बचाव के लिए बहुत सारा सम्मेलन इकट्ठा कराया गया था, उसके बारे में तो चले हम लोग देख लेते हैं। अब देखते हैं संसाधनों को बचाने के लिए बहुत सारा सम्मेलन किया गया था, जिसमें देख सकते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किया गया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में संसाधनों को बचाने के लिए सारा देश इकट्ठा हुआ था ब्राजील में। देखो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 जून से स्टार्ट हुआ था और 14 जून 1992 को खत्म हुआ, मतलब 3 जून 1992 को स्टार्ट हुआ और ये लगभग 11 दिन के बाद यानी 14 जून को समाप्त हुआ। यानी अगर देखी जाए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन तो 3 जून से लेकर 14 जून 1992 तक चला था। इस सम्मेलन को हम लोग रियो डी जेनेरो सम्मेलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रियो डी जेनेरो सम्मेलन भी इस नाम से हम लोग जानते हैं। और साथ में 178 देश यहाँ पर भाग लिए थे। यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 जून से लेकर 14 जून तक 1992 में चला था, ठीक है ना। इस सम्मेलन को हम लोग रियो डी जेनेरो सम्मेलन कहते हैं। इस सम्मेलन में 178 देश भाग लिए। क्यों ये सम्मेलन बिठाया गया था? तो संसाधनों पर अमल करने के लिए, उसका विकास करने के लिए ये सम्मेलन किया गया था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था। अब देखो दूसरा का द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन क्या हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन ये 23 जून से लेकर 27 जून 5 साल के बाद हुआ था। ये 1992 में हुआ था, तो 1997 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया था। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 23 जून से लेकर 27 जून तक चला था, कब? 1997 में। इस सम्मेलन को हम लोग +5 सम्मेलन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? +5 सम्मेलन। यानी जितने भी सम्मेलन इकट्ठा किए गए थे ना, पृथ्वी का प्रथम सम्मेलन हो चाहे द्वितीय सम्मेलन हो, ये सब संसाधनों के विवेकशील उपयोग पर, संसाधनों की अंधाधुंध कटाई पर, संसाधनों का अंधाधुंध बेकार का उपयोग करने पर रोक लगाने के लिए, संसाधनों को बचाने के लिए किया गया था, ठीक है ना। अब देखो तीसरा देखते हैं, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। ये जो होता है 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक ये चला था सम्मेलन 2002 ईस्वी में, ठीक है ना। अब सोचो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4-5 महीना लगभग ये सम्मेलन चला था। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन ही बहुत मतलब विश्व पर्यावरण सम्मेलन था, विश्व के सारे पर्यावरण का मतलब क्षति से बचाने का सम्मेलन था। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन को हम लोग तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो था ना 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर 2002 तक चला था। यह जो सम्मेलन था जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। और इसमें लगभग 200 देश भाग लिए थे इस सम्मेलन में। अब देखो अंतिम सम्मेलन एक हम लोग पढ़ते क्योटो सम्मेलन। देखो क्योटो सम्मेलन क्या, तो ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए किया गया था। ये 1997 में ही किया गया था। क्योटो सम्मेलन 1997 में किया गया था। ये ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए, क्योंकि भाई ओजोन परत में छेद होने लगा था, बहुत मतलब सब चीज की मात्रा घटने लगी थी वायुमंडल में, इसी कारण से क्योटो सम्मेलन
किया गया था। क्योटो सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में किया गया था। यह इसका उद्देश्य, क्योटो सम्मेलन का उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए। अब भाई ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए किया गया था, इसमें लगभग 159 देश भाग लिए थे। इस सम्मेलन को हम लोग ग्रीन हाउस सम्मेलन चाहे विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहते हैं। तो यह देखिए, ये क्योटो सम्मेलन होगा पृथ्वी का प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन और क्योटो सम्मेलन। पूछता भी है कि कब हुआ था, आपको याद रखना है। उसमें कितने देश भाग लेते हैं, ये सारी बातें आप याद रखिएगा। तो इस तरह से संसाधन का एक टॉपिक मैं क्लियर करवा दिया, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम लोग संसाधन जान चुके दो प्रकार, प्राकृतिक और मानव निर्मित। हम लोग अगले वीडियो में प्राकृतिक संसाधन का विस्तार करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ संसाधन का हम लोग वर्गीकरण पड़े हैं, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन है, उस पर आप चर्चा करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।